गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, हम एक माइनक्राफ्ट पर लेट्स प्ले शुरू करने वाले। तो आज का है पहला एपिसोड हमारे माइनक्राफ्ट के लेट्स प्ले का। तो अगर आप ये गेम फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि ये गेम फ्री में नहीं है, तो आप जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर मैंने बताया कि आप माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन फ्री में कैसे इंस्टॉल करें। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इस गेम के बेसिक के बारे में बात करने वाले, क्योंकि गेम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एज अ न्यू प्लेयर। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे मोड्स मिलते हैं, जैसे कि सिंगल प्लेयर, मल्टीप्लेयर और माइनक्राफ्ट रिलिम्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले सिंगल प्लेयर में। तो हम सिंगल प्लेयर के अंदर जाकर यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो आज की वीडियो में हम खेलने वाले सर्वाइवल मोड, तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो दूसरा मोड है हार्ड कोर, जो कि सर्वाइवल मोड जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर आप रिस्पॉन नहीं हो सकते मरने के बाद, और आपके पास सिर्फ एक लाइफ होती है और ये डिफिकल्ट होती है लेवल एज कम्पेयर टू सर्वाइवल मोड। और हमारा थर्ड मोड है क्रिएटिव मोड, तो इसके अंदर सारी चीजें अनलिमिटेड होती है। हम उड़ भी सकते हैं और हमारे पास अनलिमिटेड ब्लॉक्स, बिल्डिंग्स, और हम किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बस एक शॉट में। तो ये मोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं भी खेलता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं सिर्फ सर्वाइवल मोड। तो हम एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो गेम लोड हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है मुझे लगता है इस लेट्स प्ले में। तो शुरुआत में शायद थोड़ा टाइम लेगा अगर ये गेम लोड हो रहा होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम बहुत ही अच्छी जगह पे स्पॉन हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम सिर्फ बेसिक्स की बात करने वाले, तो WASD से आप मूव कर सकते हैं, वो तो बहुत बेसिक है। अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और स्पेस बार से जंप कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट दबा के W दबाए तो आप बहुत स्लो चलेंगे, लेकिन आप गिर नहीं सकते। देखिए, हम एकदम एज पे रुक जाते हैं। तो अगर आप किसी हाइट पे हो और आप गिरने से अवॉइड करना चाहते हो, तो शिफ्ट दबा के मूव कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल दबा के W प्रेस करें तो हम रन कर सकते हैं, और अगर हम W पे डबल क्लिक करें तो भी हम रन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वुड कलेक्ट करना, जो कि हमें ट्री से मिलता है, क्योंकि हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर एक विलेज भी है सामने, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो अगर हम ई पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे एक इन्वेंटरी खुलती है, जहाँ पर हमारे पास 4x4 का क्राफ्टिंग टेबल है। हम 4x4 से तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो हमें 3x3 का लगने वाला है, जो कि हमें क्राफ्टिंग टेबल बनाने वाले है, जिसके लिए हमें वुड लगेगा। तो हम वुड कलेक्ट करेंगे। तो देखिए, हमारे पास 2 वुड ब्लॉक्स आ चुके हैं अब तक। तो शुरुआत में थोड़ा स्लो है वुड कटिंग, क्योंकि हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है। तो हम पहले थोड़ा वुड कलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम 16-20 ब्लॉक्स हमें शुरुआत में चाहिए, बाद में हम उस विलेज में जाके एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या है, शायद उनके पास हमें कुछ अच्छी चीजें मिल जाए। तो जैसे जैसे आप इस गेम में एडवांस करेंगे या फिर आगे जाएंगे, गेम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो वुड कलेक्ट कर लेते हैं। आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं वुड से। ये पहले यहाँ का कट कर लेते हैं हम। वुड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पर आप हार्ट्स देख सकते हैं, वो हमारी लाइफ से, और उसके जो राइट साइड में है वो हमारा फूड है। अगर हम थोड़े भूखे हो तो हमारी हेल्थ लो होती रहती है, तो हमें हमेशा फुल होना चाहिए हमारे हंगर पर। तो हमारे पास फिलहाल तो 15 ब्लॉक्स है। चलो पहले ये विलेज एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो आप सभी डिफरेंट जगह पे स्पॉन होंगे, तो ये रहा, तो राइट क्लिक करते उससे दरवाजा खुल जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉट है जो हमें लगने वाला है, क्योंकि रात को अगर हम सोए नहीं तो ज़ॉम्बीज आ सकते हैं, और उनके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसीलिए अगर आपको कोई बेड वगैरह मिल रहा है तो आप ले ले। हम इस नीचे के घर को भी देख ले। देखा जैसे ही मैं हाइट पे से गिरा, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो इनके पास एक चेस्ट है, देखते हैं इसमें क्या है। थोड़ा ब्रेड है। अगर आप शिफ्ट दबा के उसके ऊपर क्लिक करें तो वो आइटम सीधा ही आपके इन्वेंटरी में आ जाता है। तो इनके पास एक फर्नेस भी है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। फिलहाल तो हम इनसे वो नहीं लेने वाले। यहाँ पर ये ट्रेडर्स भी है जिनके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एमरल दे रहे हैं हमें अगर हम इन्हें 6 लेदर्स दे, और एमरल के बदले हमें ये लेदर पैंट्स भी दे रहे। तो फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ भी इनसे ट्रेड नहीं कर सकते। तो चलिए इस घर में देखते हैं क्या मिल सकता है हमें। तो हमें आज के इस वीडियो में सबसे पहले घर बनाना है, जो कि शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो इनके पास भी बहुत सारा ब्रेड है। स्नोबॉल तो हमें नहीं चाहिए, हम सिर्फ ब्रेड लेने वाले हैं।
तो हम यहाँ पर एनिमल्स भी टेम कर सकते हैं, उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं। तो अगर आपको कोई डॉग मिल रहा होगा तो आप उसे अगर बोन दे तो वो आपका दोस्त बन सकता है। कैट को फिश लगती है लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कैट हमेशा भाग जाती है, डॉग थोड़ा आसान है। तो अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आप अपना ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं जो कि आपने कलेक्ट किया है। तो हम थोड़ा और वुड कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो उसके बाद एक हम क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे और उससे थोड़े इक्विपमेंट बना लेंगे क्योंकि ऐसा थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स हो तो उसके मदद से हम जल्दी माइनिंग कर सकते हैं क्योंकि गेम मोस्टली माइनिंग के ऊपर बेस्ड है। हमें जल्द से जल्द थोड़े वुडन इक्विपमेंट बनाने होंगे। फिलहाल तो हम सिर्फ वुडन स्टोन बनाने होंगे, फिलहाल तो हमारे पास वुड है तो हम स्टोन कलेक्ट कर लेंगे बाद में। तो सबसे पहले एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पर हम अपना घर बना सके। तो अगर एक बेड बनाना है, अगर आपको बेड नहीं मिला तो आप एक शीप, सेम कलर की शीप यानी कि व्हाइट वूल ब्लैक वूल, सेम कलर के 3 शीप्स लगेंगे। तो लगता है थोड़ा यहीं पर हम शायद अपना बेस बना सकते हैं शुरुआत के लिए आज का दिन, बाद में हम उसे अपग्रेड कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, शुरू कर लेते हैं। तो हम ई में जाके पहले प्लैंक बनाएंगे क्योंकि प्लैंक के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम चारों साइड्स में एक एक डाल देंगे ये, या फिर अगर आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो 1 मिनट, हम यहाँ पर इस बुक पे अगर क्लिक कर देंगे तो आपको ये रेसिपीज दिखा देगा कि हम क्या क्या बना सकते हैं। तो ये देखिए, अगर हमें प्लैंक चाहिए तो हमें एक लॉक यहाँ पर प्लेस करना होगा और उसके जगह पे हमें 4 प्लैंक्स मिलेंगे। तो हम प्लैंक्स कलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए 4 प्लैंक ले लिए, हम सारे यहीं पे डाल देते हैं। तो हमें अभी फिलहाल तो 64 की कैपेसिटी है, 64 से ज़्यादा आप एक स्लॉट में नहीं रख सकते। तो अभी हम एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। अगर हम चारों साइड पे एक-एक रखा तो हमें क्राफ्टिंग टेबल मिल जाएगा। तो हम ये क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम थोड़े स्टिक्स बना लेते हैं क्योंकि स्टिक्स बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी हमें। तो शायद इतनी स्टिक्स काफ़ी है फिलहाल के लिए। स्टिक्स की मदद से हम हथियार बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्राफ्टिंग टेबल लगेगा। तो हम ई दबा के बैग जाते हैं और हमारा क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करते हैं यहाँ पर राइट क्लिक से। तो जैसे ही हम क्राफ्टिंग टेबल ओपन करिए, देखिए हमें यहाँ पर 3x3 का एक क्राफ्टिंग स्लॉट मिला है, क्राफ्टिंग के लिए जगह मिली है। तो यहाँ पर हम कुछ हथियार बना सकते हैं। देखिए ये है एक वुडन शॉल, एक वुडन हो, एक्स स्वॉर्ड और एक पिकैक्स। तो हम फिलहाल तो सिर्फ पिकैक्स और एक स्वॉर्ड बनाने वाले हैं। तो पिकैक्स माइनिंग के लिए काम आने वाला है, हम इसे ऊपर प्लेस कर देते हैं। और जो स्वॉर्ड है वो हमें फाइटिंग के लिए काम आने वाली है। तो टॉर्चेस तो हम फिलहाल नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं। पिकैक्स की वजह से आप माइनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो हमें फिलहाल थोड़ा कोल चाहिए, तो हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर हमें कोल मिलने वाला है। हमारे पास कॉट तो है, अगर रात हो गई तो हम वहाँ पर सो के फटाफट सुबह में आ सकते हैं वापस। अगर आपके पास एक बेड नहीं है तो आपको फिर रात पूरी सरवाइव करनी होगी क्योंकि रात को सारे स्पाइडर जॉम्बीज और स्केलेटन्स आते हैं और उनके साथ थोड़ी फाइटिंग करनी पड़ती है और सरवाइव करना पड़ता है। तो देखिए हमारा जो हंगर बार था वो थोड़ा लो हो चुका है, तो हमें कुछ खाने के लिए चाहिए। शायद वहाँ पर कुछ है, हम देखिए यहाँ पर एक क्रीपर है, इसके करीब मत जाना क्योंकि ये ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर मुझे आयरन दिख रहा है और थोड़ा कोल भी है, शायद ये ब्लास्ट हो जाएगा। हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो यहाँ पर आयरन है और कोल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए हमें कोल मिल गया, तो कोल बहुत ही नेसेसरी है फिलहाल। तो यहाँ पर नीचे जॉम्बीज हो सकते हैं, तो हम अपनी पिकैक्स सिलेक्ट करके थोड़ा आयरन कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि आयरन की मदद से हम इसे फर्नेस में डाल के आयरन और बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम ओ मैं भूल गया, ओ नो, ओ नो, चलो चलो, हमें मिनिमम नहीं। तो सुबह में जॉम्बी जल जाते हैं। तो चल आ जा आ जा आ जा, ना तो इसने बहुत ज्यादा हेल्थ लो कर दी मेरी। तो फिलहाल हम थोड़ा वुड कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि आयन जो है वो हम वुडन स्वॉर्ड से या फिर वुडन के किसी भी इक्विपमेंट से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कोल हम ले सकते हैं, तो हमें थोड़ा कॉबल स्टोन चाहिए, इसे कॉबल स्टोन कहते हैं। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं वो कोल होता है। कोल की मदद से हम टॉर्चेस बना सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है अंधेरे में, क्योंकि जब आप किसी माइनिंग सेशन पे जा रहे होगे या फिर माइनिंग को जा रहे होंगे तो वहां पर आयन लगता है, आयन नहीं कोल, मतलब अंधेरा रहता है तो टॉर्चेस जरूर लगती है। तो हम थोड़ा कोल माइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है इतना काफी, हम बाद में वापस आ सकते हैं।
मुझे लग रहा है रात होने वाली है, तो फिलहाल तो हमारे पास एक कॉट है, एक बेड है, तो हमें टेंशन नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप शायद आपको एक बॉक्स बनाना होगा जिसके अंदर शायद आपको पूरी रात गुजारनी पड़े, या फिर अगर आपके पास विलेज है तो विलेज का कॉट आप जरूर ले सकते हैं। तो नहीं, ले सकते, हम अटक जाएंगे। तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्टोन्स हो चुके हैं, तो मुझे लगता है यहीं पर हम कॉट डाल देते हैं अपना, यहीं पर, और सो जाते हैं। तो हम जब उठेंगे तब सुबह हो जाएगी, तो मॉन्स्टर से लड़ने की फिक्र नहीं होती है। तो हम ये पेड़ को वापस उठा लेते हैं। तो अभी हम हमारा क्राफ्टिंग टेबल जो कि है वो यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो हमें स्वॉर्ड चाहिए होगी और एक पिकैक्स चाहिए होगी, तो पिकैक्स हम खुद बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टिक्स, और ये रही हमारी पिकैक्स, हम इसे ऊपर डाल देते हैं। इसकी जरूरत तो नहीं है फिलहाल, नहीं और कुछ नहीं चाहिए। तो ई दबा के देखिए, अगर हम वुडन की बनाए तो थोड़ा फास्ट माइनिंग होता है। जैसे ही आप यहाँ पर डायमंड्स भी मिलते हैं जो कि बहुत रेयर है, हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए, हमें एक आयरन और मिल चुका है, एक हमने वेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे याद नहीं था। तो मुझे लगता है हमें पहले टॉर्चेस बना लेनी चाहिए, हम थोड़ा कोल सेव भी कर लेंगे अगली बार के लिए। तो चलिए थोड़ा अंदर डीप जाके देखते कि यहाँ पर क्या है, शायद हमें कुछ और आयन मिल जाए। यहाँ पर और कोल है, तो हम थोड़ा कोल कलेक्ट कर लेते सबसे पहले, क्योंकि कोल लगने वाला है। हमें एक फर्नेस भी बनाना होगा और एक घर के साथ शुरुआत करनी होगी। तो आप थोड़े माइनिंग पे ध्यान दें, थोड़ा स्टोन जमा कर ले जिससे आप कुछ इक्विपमेंट बना सके। आयरन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आप आयरन से भी इक्विपमेंट बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही हो तो ई में जाके, यहाँ पर एक बुक है, अगर ये ऑफ होगा तो बुक पे क्लिक करके यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। देखिए सर्च का ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पर डालें कुछ भी तो आपको मिल सकता है। यहाँ पर ब्लॉक्स है बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पर बेड कैसे बनाना है वो भी, मतलब ये तो क्ले वाला है अगर आपको नॉर्मल चाहिए होगा तो। फिलहाल तो हम माइनिंग पे ध्यान देते हैं। तो गाइस, जैसे ही आप कोल कलेक्ट करते हैं तो आपके साथ ये देखिए कुछ चमकीली चीज आती है, तो वो आपकी लेवल बढ़ाता है। ये देखिए हम लेवल अभी फिलहाल तो 4 पे है, कोल कलेक्ट करने से हमारी लेवल बढ़ रही है। तो कुछ और कलेक्ट कर लेते हैं, लेवल 5 हो चुका है अभी हम। तो अगर आपको फर्स्ट पर्सन में नहीं रहना तो आप F5 पे क्लिक कर सकते हैं, देखिए। और अगर आप एक और बार F5 पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अलग व्यू मिल जाएगा। तो मुझे फर्स्ट पर्सन ही ज्यादा पसंद है। और अगर आप F3 पे क्लिक करें तो आपको देखिए यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। तो फिलहाल तो हमें खाना ढूंढने को जाना पड़ेगा, या फिर हम मर सकते हैं। तो हम हमारा क्राफ्टिंग टेबल यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें एक स्टोरेज भी बनाना होगा जो कि हम बाद में भी बना सकते हैं, अभी इतना नेसेसरी नहीं है, मैं भूल ही गया था। तो ब्रेड खा लेते हैं, अगर आप राइट क्लिक होल्ड करके रखेंगे तो ये खाना खा लेता है। तो देखिए अभी हमारा हंगर बार फुल है, तो हमारा हेल्थ बार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर बनीज भी है, हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमें थोड़ा स्नो से दूर जाना चाहिए, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर हर जगह पर स्नो ही स्नो है। तो एक और माइन मिल चुकी है, तो यहाँ पर जाके देखते हैं। यहाँ पर भी आयरन है, तो बहुत अच्छी बात है। आयरन कभी आपको सिंगल ब्लॉक नहीं मिलेगा, कम से कम 3-4 ब्लॉक मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 ब्लॉक तो यहीं पर, और 2 ब्लॉक्स है, तो 4 ब्लॉक आयरन के मिल चुके हैं। तो हमें अगर अभी एक आयरन की पिकेक्स बनानी है तो फर्नेस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और आयरन ब्लॉक है, बहुत अच्छी बात है। आयरन के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं माइनिंग के लिए, क्योंकि ना कि वो जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं और माइनिंग भी थोड़ा स्पीड में हो जाता है। गोल्ड की बिल्कुल मत बनाना कभी भी, क्योंकि गोल्ड बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। क्या पता क्या प्रॉब्लम है गोल्ड के साथ। मुझे जब पिछली बार गोल्ड मिला था, मैं खेल रहा था तब, मैंने उसके इक्विपमेंट बनाए थे जो कि बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो उससे अच्छा आप एक आर्मर बना लो, हमें एक आर्मर भी बनाना है, एक शील्ड भी बनानी है। तो शुरुआत में बहुत कुछ रहता है जो हम बना सकते हैं। तो हम थोड़ा नीचे माइनिंग कर लेते हैं, हम यहीं पर शायद अपना पहला बेस बना ले, क्योंकि अभी फिलहाल दूर जाने से अच्छा तो यहीं पर है। हमारे पास खाने के लिए भी बहुत कुछ है, फिलहाल तो ब्रेड है जिससे हम काम चला सकते हैं। हम विलेज से तो दूर आ ही चुके हैं, तो अभी कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। टॉर्च प्लेस कर लेते, तो हमारी वुडन नॉट वुडन जो स्टोन की पिकेक्स थी वो खत्म होने पर आ चुकी है। यहाँ पर जॉम्बिस की आवाज़ आ रही है, देखिए हमारी वुडन पिकेक्स
खत्म हो चुकी है तो हमें शायद एक और बनानी पड़े। आपके यहाँ पर शायद ऑटो जंप ऑन होगा, मतलब आप ऑटोमेटिकली जंप कर रहे होगे अगर आप किसी चीज के नियर हो तो आप वो डिसेबल कर सकते हैं। एस्केप पे दबाइए, सेटिंग्स में जाके, ऑप्शंस पे जाके, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जाके ऑटो जंप ऑफ कर ले। अगर आप चाहे तो ऑन भी रख सकते, यहाँ पर आप साउंड वगैरह भी थोड़ा आवाज कम कर सकते। तो बहुत ही ज्यादा स्नो है, मैंने क्योंकि मैं एक पहले भी थोड़ी बार खेल रहा था जब से हमारे पीवडी भाई ने शुरू किया है, ये गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और मुझे भी मजा आ रहा था, सोचा हम भी खेल लेते एक बार। तो मजा तो बहुत आया, लेकिन तभी इतनी नॉलेज नहीं थी, क्या करना था कुछ पता नहीं था, तो मैंने 3-4 वर्ल्ड बनाए, उन्हें डिलीट भी कर दिया क्योंकि मैं अपने घर से बहुत ज्यादा दूर चले गया था और फिर घर भी नहीं मिल रहा था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो अगर आपके पास कोई भी ब्लॉक नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपके पास एटलीस्ट ये कॉबल स्टोन होगा, जो कि जिसका मतलब है स्टोन जो कि आपने नॉर्मली लिया होगा, तो आप एक बस एक आउटलाइन बना लीजिए, एक फर्नेस बना लेंगे। शायद पहले फर्नेस बनाना अच्छा होगा क्योंकि बाद में शायद हमारे पास स्टोन कम पड़ जाए। तो ये रहा फर्नेस, तो हम बना सकते हैं, अगर आप अपने कॉबल स्टोन को इस तरह से इस पैटर्न में प्लेस कर ले, एक मिडल में एम्प्टी रखिए, साइड में ये साइड में सब प्लेस कर लीजिए। तो हम इसे यहाँ पर इसके ऊपर ही प्लेस कर देते हैं, तो हम यहाँ पर अपने आयन को पिघलाने को लगा देते हैं, इससे हमें आयन और मिल जाएगा। तो हम थोड़े ब्रेड खा लेते हैं फिलहाल तो, क्योंकि हमारी हेल्थ थोड़ी लो है। तो हमारे पास दो ही कॉबल स्टोन बचे तो शायद हम इसे पूरा ना कर पाए फिलहाल तो, लेकिन हम और माइनिंग कर लेंगे। तो माइनिंग हमेशा स्टेयर्स में करनी चाहिए, मतलब दो दो ब्लॉक का गैप देके, ये देखिए हमें स्टोन मिल चुका है तो शायद हम अपना घर कंप्लीट कर पाए। तो अभी पिकैक्स का काम है, तो मैं यहाँ पर बाद में स्टेयर्स डालने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा नीचे माइन करूँगा, क्योंकि आप जितना डीप जाओगे उतने आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी। तो हमें एक न्यू रेसिपी मिल चुकी है जो कि एक अच्छी बात है, तो सीधा कभी मत माइन करना, शायद आप किसी लावा में गिर जाओ जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हो, और जैसे ही आप डाय मतलब मर जाते हो तो आप रिस्पॉन हो जाओगे, अगर आप वो भी आपके बेड पे जहाँ पर आप सोए थे, और अगर आप बेड पे नहीं सोए तो मुझे नहीं पता आप कहाँ पर रिस्पॉन होगे, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर शायद। तो हमारा स्टोन तो खत्म हो चुका है, तो चले पहले एक स्टोरेज बना लेते जहाँ पर वो अपनी सारी अनवांटेड चीज़ें रख सके। तो ये देखिए यहाँ पर एक चेस्ट है जो कि हमारा मेन स्टोरेज होगा, तो प्लैंक को आप इस पैटर्न में प्लेस कर दीजिए। एक बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, तो हम इन दोनों को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अगर आप दोनों जॉइंट में प्लेस करें तो एक बड़ा चेस्ट आपको मिल जाएगा, तो हम शिफ्ट दबा के सारी चीजें प्लेस कर देते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं शायद ये घर कंप्लीट कर लूं जब मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा होगा। आप भी अगर गेम अभी भी स्टार्ट कर रहे हो तो वुड कलेक्ट जरूर कर लेना, थोड़े स्टोन कलेक्ट करके, एक क्राफ्टिंग टेबल तो मेन ही है, ई पर जाके इस बुक पे क्लिक करके आपको सारी रेसिपीज वहां पर मिल जाएगी, आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप टिक करें तो जो आप बना सकते हैं चीजें वही दिखाएगा वो, और ये जो ये रेड सर्कल के अंदर आता है वो आप नहीं बना सकते क्योंकि वह आपके पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं है। तो आज की इस लेट्स प्ले के वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूंगा जल्दी एक और वीडियो के साथ जिसके अंदर हम माइनक्राफ्ट में और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और I'll see you all again in the next one.